तौबा अम्मा, अब आराम से उसकी माँ और बहनों की बुराइयां तो नहीं कर सकती ना मैं। आपको पता है कितनी मोहब्बत करता है अपनी बहनों से। पर थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसकी शादी भी हो जाएगी, उसकी बहनों की तो हो जाए। मुझे उस पर बिल्कुल एतबार नहीं है, रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है। अरे मेरी भोली बेट, अगर कोई मर्द किसी लड़की से मोहब्बत करता है ना, तो वो सब के सामने उसे अपनाता है, अपनी मजबूरियों के रोने नहीं रोता हर वक्त, और यूं चोरी छुपे वादे भी नहीं करता। बस मैंने कह दिया, अब मैं तुम्हारा मजीद वक्त जाया होने नहीं दूंगी। जैसे कोई अच्छा रिश्ता आएगा तुम्हारी शादी कर दूंगी। ना जाने कितनी लड़कियां इसी तरह इंतजार में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं और करती रहेंगी। समझ आता नहीं कुछ तो। बात करूंगी, ऐसे भी आपको सिर्फ आराम से बह रही है कोई। अरे बेटा, तुम यहां बैठे हुए हो, तुम्हारी खाला का फोन था, बहुत शिकवा कर रही थी, कह रही थी शावेज तो हमारे घर ही नहीं आता। मैंने कहा भाई उसे अपने स्टूडेंट्स और स्कूल से फुर्सत ही नहीं मिलती, वो तो हमसे भी कम ही मिलता है। मम्मी आप तो जानती ना मेरी स्कूल की मसरूफियात। मसरूफियात तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम ही प्रिंसिपल हो स्कूल के। खैर स्कूल के प्रिंसिपल तो कुरुतलैन है, लेकिन मुझ पर स्कूल की काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी काम है जो मुझे उनके साथ मिलकर करने होते हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं किसी और को सपोर्ट कर नहीं सकता। वाह भाई वाह, क्या दिन आ गए। तुम्हारी प्रिंसिपल के मियाँ अपना बिजनेस संभाल रहे होंगे और तुम टीचर बने हुए उनका काम संभाल रहे हो। मम्मी उनकी शादी हुई नहीं अभी तक। हैं, तुम्हारी प्रिंसिपल शादीशुदा नहीं है जी? तो उसमें ऐसी हैरत वाली क्या बात है, ऐसे भी सब कुदरत के खेल हैं। एक इंडिपेंडेंट खातून है वो, अपने घर वालों के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी उन्होंने और स्कूल की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, तभी तो स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों बहुत पसंद करते हैं उन्हें। अच्छा बस।